दिल्ली की बदनाम गली का वो सच जो आपको झकझोर कर रख देगा। दिल्ली के जीबी रोड का जिक्र आते ही हम सब असहज महसूस करने लगते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना जल्दी हो सके इस विषय को छोड़ आगे बढ़ जाएं। पिछले दिनों में एक पुरानी दोस्त विदेश से लौटी और जोर दिया कि मैं उसके साथ दिल्ली के रेड लाइट एरिया में चलूं। मैंने दोस्त से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है और ऐसी जगह तुम्हें क्यों जाना है? उसने कहा, मुझे सेक्स वर्कर्स की जिंदगी से जुड़ी रिसर्च करनी है और ये मेरे प्रोजेक्ट का बहुत अहम हिस्सा है। मैंने अपनी दोस्त को मना कर दिया और उससे किसी और विषय पर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी दोस्त ने मेरी एक न मानी और मुझे रेड लाइट एरिया में जाने के लिए आखिरकार मना ही लिया। मैं और मेरी मित्र अगली सुबह दिल्ली के रेड लाइट एरिया यानी कि जीबी रोड के लिए रवाना हुए। हमने जीबी रोड तक जाने का फैसला मेट्रो से किया। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद हमें कमला मार्केट के लिए रिक्शा लेना था। सर्द भरी सुबह में भी मैं और मेरी मित्र पसीने से लथपथ थे। मेरी मित्र मुझसे भी ज्यादा घबराई हुई थी। हमने हिम्मत जुटा कर एक रिक्शा रुकवाया और कमला मार्केट की ओर चल पड़े। जैसे रेड लाइट एरिया शुरू हुआ, हमारी सांसें तेज होने लगी। छोटी छोटी खिड़कियों से कुछ चेहरे सड़कों की ओर ऐसे ताक रहे थे जैसे उन्हें किसी का बेसब्री से इंतजार हो। उस पल को हूबहू शब्दों में पिरोना मेरे लिए नामुमकिन है। हम बड़ी मुश्किल से रिक्शे से नीचे उतरे, लेकिन हमारे कदम जैसे एक ही जगह जम गए हों। हम चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। हमने साहस किया और सामने की तरफ दिख रही इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। इमारत की सीढ़ियों के बगल में ही कई दुकानें भी थी। इन्हीं दुकानों के बीच से ऊपर की ओर कुछ सीढ़ियां जा रही थी। नीचे की तरफ एक खंभे पर मोटे मोटे अक्षरों में एक नंबर लिखा हुआ था। इस विशेष नंबर का मतलब हमें बाद में पता चला। हम इमारत में घुसने ही वाले थे तभी एक शख्स ने हमें रोका और पूछने लगा, कहा जा रहे हो भाई? उस शख्स को मेरे आने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरी मित्र के प्रवेश पर उसे काफी एतराज था। मैंने उस शख्स से कहा, हम बस सेक्स वर्कर्स से कुछ बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। हमने अपना अपना परिचय दिया। वह शख्स फिर भी न माना और एक महिला को आवाज देने लगा। कुछ देर बाद सामने के दरवाजे से एक महिला निकल कर आई और पूछने लगी, क्या काम है, क्यों आए हो? किसी एनजीओ से हो क्या? मेरी मित्र ने हमारा वहां आने का मकसद बताया, लेकिन वो महिला नहीं मानी। काफी देर बातचीत करने के बाद हमने कुछ रुपयों की पेशकश की। इस पर वो महिला सेक्स वर्कर्स से मिलवाने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसी के साथ हमारे सामने कई शर्तें रखी गईं। हम अंदर कोई मोबाइल फोन और कैमरा नहीं ले जा सकते थे और बातचीत के दौरान वो महिला भी हमारे साथ ही रहने वाली थी। हम इन शर्तों के साथ अंदर जाने के लिए राजी हो गए। उस इमारत के गेट में पहला कदम रखते ही हमारे होश उड़ गए। इतनी कम जगह में बहुत सारी लड़कियां, पुरुष और लड़के भरे हुए थे। अंदर चारों तरफ हंसने और चीखने की आवाजें आ रही थी। उस जगह पर बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। हर तरफ जैसे अफरा तफरी का माहौल हो। कुछ समय बाद हमें पता चला कि इस इमारत या फिर कहीं कोठे में केवल कुछ खास राज्यों की लड़कियों को रखा गया है। सीढ़ियों के पास मौजूद वह विशेष नंबर इसलिए दिया गया था ताकि कोठों की पहचान संख्या से हो सके। उस जगह बदबू के साथ साथ मेकअप की भी तेज गंध आ रही थी। उसी हॉलनुमा कमरे में एक तरफ तीन छोटे छोटे केबिन बने थे। इन छोटे केबिनों में लोग लड़कियों के साथ अंदर जा रहे थे और कुछ देर बाद वापस आ जा रहे थे। मेरी मित्र ने हिम्मत कर उस महिला से कहा कि उसे वह केबिन नुमा चीज देखनी है। इतना सुनते ही पहले तो वह महिला नाराज हुई, लेकिन काफी देर तक जोर देने के बाद वह मान गई। उस महिला ने एक लड़की को केबिन के अंदर जाने से रोकते हुए उसने हमें अंदर का नजारा दिखाया। अंदर एक लोहे का पलंग रखा हुआ था जो उस केबिन के आकार के बराबर ही था। पलंग के नीचे कुछ पशु भी थे जिनके मल मूत्र की
बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। केबिन को देखने के बाद हमारा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरी मित्र भय से कांपने लगी। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद फिर से हमने अपने आप को संभाला। कुछ देर बाद मैंने साहस जुटाकर उस महिला से गुजारिश की कि वो हमारी बात किसी लड़की से करा दे। इस पर उस महिला ने एक लड़की को इशारे से बुलाया। एक 20-22 साल की लड़की हमारी ओर आने लगी। मेरी दोस्त ने उस लड़की से नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम बता दिया, लेकिन वह नाम उस लड़की का असली नाम नहीं था। मेरी दोस्त का अगला सवाल था, आप कब से यहाँ हैं? इस सवाल को सुनते ही हमारे पास खड़ी महिला बिगड़ गई और कहने लगी, तुम लोग ये सब नहीं पूछ सकते। हम एकदम सहम गए। हमने महिला से काफी आग्रह किया कि वो हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। इसके बाद हमने कुछ और पैसे देने की बात रखी। महिला कुछ देर रुकी और फिर उस लड़की को अपने साथ लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद उस महिला ने 30-35 साल की युवती को हमारे पास भेजा। इस युवती का बात करने का तरीका काफी अलग था। ये युवती पहले वाली लड़की से उम्र में काफी बड़ी थी। उस युवती ने कहा, पूछो भाई, क्या पूछना है? इस पर मेरी मित्र ने सवाल पूछने शुरू किए। सवाल, आपका नाम क्या है? जवाब, मेरा नाम रानी है, बदला हुआ नाम। सवाल, आप कब से यहाँ हैं? जवाब, जब से मैंने होश संभाला है। सवाल, आपके परिवार में कौन कौन है और क्या आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? जवाब, मेरा परिवार यही है, इस कोठे की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। ये कोठा ही हमारी रोजी रोटी है और यही हमारे लिए सब कुछ है। रानी मेरी मित्र के हर सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देती गई, लेकिन एक सवाल पर रानी का दर्द छलक उठा। सवाल, आपको अपनी माँ की याद नहीं आती? जवाब, रानी पहले कुछ देर तक खामोश रही, फिर भरे हुए स्वर में बोली, हाँ, माँ की याद आती है, हर दिन आती है और जब दर्द होता है तब सबसे ज्यादा आती है। रानी के इस जवाब के बाद हमारे पास कोई सवाल शेष न रह गया था। मैं और मेरी मित्र काफी देर तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे। साधारण सी दिखने वाली उस युवती के चेहरे पर रदद, हताशा और लाचारी साफ नजर आ रही थी। चाहते हुए भी हम रानी के ज्यादा बात नहीं कर पाए। रानी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। रानी का उदासीन चेहरा आज में भी मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो सका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी हम वेश्यावृत्ति जैसे विषय पर बात करने से डरते हैं। न जाने रानी जैसी कितनी ही युवतियों को जबरन इस नर्क में धकेल दिया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में रोजाना लगभग 2,000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 68% लड़कियों को रोजगार का झांसा देकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि 17% लड़कियों को शादी का वादा करके इस धंधे में धकेल दिया जाता है। उपरोक्त लिखे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विकास के मार्ग पर अग्रसर आज के भारत में जब हमें रानी जैसी युवती की पीड़ा देखने को मिलती है तो हम इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर क्यों नहीं होते? अब समय आ गया है कि हम वेश्यावृत्ति जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा करें और समाज को सही मायनों में प्रगतिशील बनाए, ताकि फिर किसी रानी को अपनी माँ से अलग न होना पड़े। महिला को जीबी रोड पर बेचा, 15 आदमी करते थे रेप। इस तरह सुनाई दर्दनाक कहानी। बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई बार मासूम महिलाएं जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों की गिरफ्त में फंस जाती है, जहां से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी व बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला को जबरन देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया। भाई की मदद से वह इस गंदे व्यापार से बाहर आने में कामयाब रही। देश का नामी हिंदी चैनल के मुताबिक महिला कोलकाता में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन और बेहतर नौकरी के नाम पर उसे एक आदमी दिल्ली लेकर आया और फिर उसे जबरन जीबी रोड में भेज दिया गया।
इसके बाद में महिला को एक शख्स ने जीबी रोड में बेच दिया था। महिला कहती है कि हर रोज 15 से 20 आदमी उसका रेप करते थे। दिल्ली की बदनाम गलियों की अश्लील बादशाहत में महिला से कोठा नंबर 68 में जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाने लगा। इसके अचानक एक दिन एक बंगाली शख्स ग्राहक के रूप में महिला से मिला। महिला ने उससे मदद मांगी और ग्राहक इसके लिए तैयार हो गया। महिला ने ग्राहक को अपने भाई का नंबर दिया। इसके बाद ग्राहक ने फोन करके बहन के बारे में उसके भाई को बताया। भाई दिल्ली आया और ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुंचा। खुद अपनी बहन से कोठे पर मिलने के बाद महिला के भाई ने दिल्ली महिला आयोग से मदद के लिए संपर्क किया। दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के सहयोग से महिला को कोठा नंबर 68 से छुड़ा लिया गया। दिल्ली आने के बाद जीबी रोड पर बेच दिए जाने की वजह से महिला अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसके भाई ने कोलकाता में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। 8 अगस्त को महिला को छुड़ाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोठे के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ठीक 2 महीने पहले 8 जून को दिल्ली आई थी।